यार ईद वाला वीकेंड जो हमेशा सलमान खान की फिल्मों के लिए बुक रहता है, जैसे 2025 की ईद पर सलमान खान की सिकंदर फिल्म आएगी और अभी तक देखकर ये लग रहा था कि ये सालों साल रिलीज होने वाली है, क्योंकि सलमान खान की ज्यादातर फिल्में जो ईद पर ही रिलीज होती हैं। लेकिन अभी एक अपडेट आया है जिसमें ये बताया है कि 2026 में सलमान खान की कोई भी फिल्म रिलीज नहीं होगी और उसकी सबसे बड़ी वजह है रणबीर कपूर और शाहरुख खान, क्योंकि 2026 की ईद पर शाहरुख खान की फिल्म किंग और रणबीर कपूर की फिल्म लव एंड वॉर रिलीज होगी। क्योंकि सलमान खान की जगह ईद वाले वीकेंड पर इस बार शाहरुख खान अपनी फिल्म किंग को रिलीज करेंगे और सिर्फ इतना ही नहीं, इस डेट पर दो बड़ी फिल्मों का कलेश भी होना तय है, क्योंकि ईद 2026 में ही संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर भी रिलीज होगी और इसी के साथ साथ ये शाहरुख खान की फिल्म किंग के साथ कलेश करेगी। और वैसे सलमान खान इन दिनों फिलहाल सिकंदर फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और इस फिल्म के पहले शेड्यूल की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब इस फिल्म के दूसरे शेड्यूल की शूटिंग चल रही है। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो मुंबई के अंदर 15 करोड़ का एक सेट तैयार किया गया है जहां पर सिकंदर फिल्म के गाने की शूटिंग चल रही है और मुंबई में इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट होने के बाद इस फिल्म की टीम इस फिल्म का एक महीने का शेड्यूल हैदराबाद के अंदर भी रखेगी और फिर सलमान खान सिकंदर फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करने के बाद अपनी अगली फिल्म डायरेक्टर एटली के साथ बनाएंगे, क्योंकि सलमान खान दिसंबर 2024 तक अपनी सिकंदर फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करेंगे और फिर इसके बाद वो 2025 में एटली के साथ मिलकर अपनी फिल्म के ऊपर काम करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि डायरेक्टर एटली और सलमान खान की फिल्म जो एक काफी बिग बजट की और एंटरटेनमेंट फिल्म होगी जिसकी शूटिंग पूरे साल चलेगी और फिर इस फिल्म के वीएफएक्स के ऊपर भी काफी ज्यादा समय लगेगा। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो सलमान खान और डायरेक्टर एटली की ये फिल्म जो हमें शायद 2026 में देखने को मिल जाएगी। लेकिन इसी के बीच में 2026 का ईद वाला स्लॉट खाली रहेगा जहां पर सलमान खान की कोई भी फिल्म रिलीज नहीं होगी और सलमान खान और डायरेक्टर एटली की ये टू हीरो एक्शन फिल्म होगी जिसमें सबसे पहले एक्टर होंगे सलमान खान और वहीं पर इस फिल्म के दूसरे हीरो के लिए सबसे पहले नाम आया था रजनीकांत का, क्योंकि डायरेक्टर एटली अपनी इस फिल्म के अंदर साउथ और नॉर्थ के कॉम्बो को लाना चाहते हैं। और अब इस फिल्म के लिए फाइनली कमल हसन का नाम फाइनल हो चुका है और कमल हसन ने इस फिल्म की कहानी भी सुन ली है और उन्होंने इस फिल्म के लिए हाँ भी भर दी है और अब बस इस फिल्म के पेपर वर्क पर थोड़ा सा काम होना बाकी है, जिसके बाद डायरेक्टर एटली और सलमान खान की ये फिल्म 2025 से फ्लोर पर आ जाएगी और फिर इसके बाद इस फिल्म की शूटिंग पूरे एक साल तक चलेगी, जिसके बाद इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन पर भी काम होगा, तो फिर शायद हमें सलमान खान और डायरेक्टर एटली की ये फिल्म 2026 में देखने को मिल सकती है शायद। लेकिन कुछ भी कंफर्म नहीं है, तो क्या आप डायरेक्टर एटली और सलमान खान की इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड हो और कितने ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और इसी के साथ साथ अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। और वैसे सलमान खान इन दिनों सिंगर